हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं आलू प्याज के पकौड़े बनाने। सबसे पहले इसको अच्छे से धो लिए हैं और बारीक बारीक लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब एक पतीला लेंगे, उसमें डालेंगे आलू प्याज के कटे हुए। अब हरी मिर्च डालेंगे, बेसन डाल देंगे, हल्दी पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स और कटे हुए हरे धनिए को भी डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हम नहीं डाले हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा अच्छे से बाइंडिंग होने लगेगा तो समझिए कि हमारा मोचा अच्छे से मिल चुका है। कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो उसमें एक छोटा सा पकौड़े को डाल के देखेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब डालेंगे बारी बारी से पकौड़े को डालेंगे। एक तरफ से सुनारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम उसको पलट लेंगे। इसको धीमी आंच में ही पकाना है। अब हमारा पकौड़ा दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है, अब उसको निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी पकौड़े तल लेंगे। हमारा पकौड़ा बनकर रेडी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।